ना सिर्फ मुन्ना बजरंगी की पत्नी को हत्या का शक था बल्कि खुद मुन्ना बजरंगी को भी अपनी हत्या का शक था और इसीलिए कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बाकायदा अर्जी भी दाखिल की थी। मुन्ना बजरंगी के वकील क्या कह रही है सुनिए। एक्चुअली ये पिटीशन मुन्ना बजरंगी ने खुद ही फाइल किया था और उन्होंने एक दो जैसे एसटीएफ वगैरह से काफ़ी खतरा बताया था कि हो सकता है ये लोग हमारा मर्डर कर दें और इनकाउंटर में इसको कन्वर्ट कर दें। तो मैंने उनके प्रोटेक्शन के लिए हाई कोर्ट में एक 482 एप्लीकेशन मई में फाइल किया था। अभी तो इसमें हमें ऑनरेबल कोर्ट से एक डायरेक्शन चाहिए फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए, जेल के अंदर असलाहा कहाँ से आया, मर्डर कैसे हुआ, प्लस उनकी वाइफ उनको भी डैमेजेस चाहिए क्योंकि सीमा जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और जिसमें उन्होंने भी ये आशंका जताई थी कि उनके हस्बैंड का मर्डर हो सकता है, उन्होंने सिक्योरिटी मांगी थी। और यहाँ तो खुद मुन्ना बजरंगी ने पिटीशन फाइल किया था जिसको मैंने फाइल किया था उनके बिहाफ पे और सिक्योरिटी की डिमांड किया था क्योंकि उनके जान को खतरा था। प्रशासन है, प्रशासन से काफ़ी ज़्यादा वो भयभीत थे और एसटीएफ वालों, दो तीन एसटीएफ वाले जब आए थे और उनके लिए तहकीकात कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे कि या तो जेल में इनकाउंटर कर देंगे या तो फिर बागपत जेल से वाराणसी ट्रायल कोर्ट में ले जाते समय बीच में वो मेरा मर्डर करके इनकाउंटर दिखाएंगे, ये उनको ऐसा भय था। तो देखिए मुन्ना बजरंगी को पहले से आभास था कि जेल में ही उसकी हत्या हो सकती है और वैसा ही हुआ, इसी के लिए बाकायदा इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी भी दी गई थी। बिल्कुल, और निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है अब उनकी वकील। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।